Hello my dear students, good morning to all. Today's date is 18 September 2021, subject maths, class 6, chapter 5, understanding elementary and shapes. हम लोग पिछले क्लास में पढ़े measuring line segment के बारे में, right? हम लोग किस प्रकार से observation करके हम लोग line segment को compare कर सकते हैं, और यहाँ पे देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे comparison by tracing. हम लोग किस प्रकार से trace करके उसे हम लोग compare कर सकते हैं. टू कंपेयर ए बी एंड सी डी, यहाँ पे देखिए दो लाइन सेगमेंट दिया गया है, ए बी और सी डी. कभी कभार ये देखने में क्या एक जैसा लगता है, राइट? बट कुछ यूनिट से ही उन लोग डिफर करते हैं. तो हम लोग किस प्रकार से उसे मेजर करेंगे ये पता लगाएंगे कि इसमें से कौन सा बड़ा है. टू कंपेयर ए बी एंड सी डी वी यूज़ अ ट्रेसिंग पेपर, ट्रेस सी डी एंड प्लेस द ट्रेस सेगमेंट ऑन ए बी. यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग सबसे पहले ट्रेसिंग पेपर से सी डी को ट्रेस करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसी माप को हम लोग ए बी के ऊपर रख के ट्रेस करेंगे. उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सी डी और ए बी बराबर है या नहीं है, ठीक है? कैन यू डिसाइड नाउ विच वन इज अमॉन्ग ए बी एंड सी डी इज लॉन्गर? द मेथड डिपेंड्स अपॉन द एक्यूरेसी इन ट्रेसिंग द लाइन सेगमेंट. ये जो मेथड है ये आपका लाइन सेगमेंट को एक्यूरेसी ट्रेस करने के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? हाउएवर इफ यू वॉन्ट टू कंपेयर विथ अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस another line segment. This is difficult and you cannot trace the lengths everything you want to compare them. जैसा मान लीजिए आप ये छोटा जैसे हम लोग कॉपीज में जब सॉल्व करते से ट्रेस करते तब हम लोग कर सकते हैं. अगर आप लोग बड़ा एरिया को उसका लेंथ को ट्रेस करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट? इसलिए बोला गया है ये ट्रेसिंग जो है जस्ट एक ईजी मेथड है, जस्ट सिंपल मेथड है जिसे आप कॉपी में फॉलो कर सकते हैं. बट अगर आप अपना कॉपीज़ को छोड़ के अगर आप जैसा कोई एरिया को ट्रेस करना चाहते हो उसका लंबाई को किसी भी चीज़ का, जैसा मान लीजिए एक टीवी का लेंथ को अगर हम लोग मापने जाएंगे तो ट्रेसिंग पेपर से हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा है, राइट? अभी देखिए कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, हम लोग किस प्रकार से स्केल और डिवाइडर की मदद से हम लोग ट्रेस कर सकते हैं. आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में तो आप देखे होंगे आपके पास रूलर भी रहता है और डिवाइडर भी रहता है, राइट? अब देखिए रूलर आपका यहाँ पे सेंटीमीटर भी में मेजरमेंट दिया गया है या फिर इंचेस में भी मेजरमेंट दिया गया है. तो आप लोग इसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन दिया गया ए बी, जब हम लोग इसे स्केल रख के इसे मेजर करते हैं तो यहाँ पे पता चल रहा है हम लोग को ये 6 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर. और डिवाइडर से हम लोग किस प्रकार से मेजर करते हैं, इसे हम लोग डिवाइडर में रख के उसके बाद उसे हम लोग स्केल में मेजर करते हुए हम लोग उसका लेंथ को बता सकते हैं, राइट? तो देखिए हम लोग किस प्रकार से किसी भी लाइन सेगमेंट ए या बी को या फिर सी या डी, यहाँ पे जो अलग अलग लाइन सेगमेंट उसे हम लोग किस प्रकार से कंपेयर कर सकते हैं. एक है बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरा है बाय ट्रेसिंग, उसके बाद बाय यूजिंग रूलर और डिवाइडर. लाइन सेगमेंट में अगर हम लोग रूलर लगा के उसे मेजर करते हैं तो उसमें हम लोग मालूम चल जाएगा कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है. उसी प्रकार डिवाइडर के मदद से अगर हम लोग डिवाइडर को अगर लाइन सेगमेंट में अगर हम लोग रख देते हैं उसके बाद दूसरा लाइन सेगमेंट में रख के अगर उसे हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें भी हमें पता चल जाएगा कि वो कौन सा डिवाइडर मतलब सॉरी कौन सा लाइन सेगमेंट लंबा है या फिर छोटा है. तो इसी प्रकार से हम लोग किसी भी लाइन सेगमेंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. तो आप इसे घर में पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू.